नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। चित्रकूट में बीते 11 मई की रात्रि को गेड़ा मोड़ के पास संतो और संतोष कुमार की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। भरतकू प्रभारी पंकज सिंह ने मृतक के भाई पवन यादव पुत्र नथु यादव निवासी गोंडा थाना मरका जनपद बांदा को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 11 मई की रात्रि को गेड़ा मोड़ के पास संतो और संतोष कुमार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भरतकू प्रभारी पंकज सिंह ने मृतक के भाई पवन यादव पुत्र नथु यादव निवासी गोंडा थाना मरका जनपद बांदा को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त पवन यादव ने बताया कि मेरे भाई के संबंध मेरी पत्नी के साथ थे, जिसे मैंने देख लिया था। उसी समय से मैं अपने भाई को मारने की तलाश में था। एक संतोष नाम है, संतोष पुरसत्तू निवासी रहने वाला है, मरका गांव थाना मरका पड़ता है, घोड़ा का रहने वाला था। वो खदान ट्रैक्टर चलाने काम करता था, वहाँ पे खदान में ट्रैक्टर चलाने का। वो रात में सोया हुआ था, सवेरे उसकी लाश मिली थी, उसके सिर में चोट थी। इस समय उसके परिवार वालों ने तीन लोग जो उसके साथ सोए हुए थे उनको नामजद किया था, लेकिन घटनास्थल के निरीक्षक और जो और चीज़ें पूछताछ से कहानी की उसकी प्रतीत हो रही थी, ये नहीं लग रहा था कि इन तीनों द्वारा इनको मारा गया है। इसमें इसके बाद ये बात सामने आई कि जो मृतक था उसके अपने बड़े भाई की पत्नी से कुछ संबंध थे, और इसके कारण एक बार इसने जहर खाकर मरने का प्रयास भी किया था, ये बात सामने आई थी। उसे फिर और गहराई से विवेचना की गई, और फिर जब इसके घर की तलाशी ली गई, मृतक के भाई के घर की तलाशी, तो घर की तलाशी में एक हसिया घर से बरामद हुआ जिस पर खून लगा हुआ था। इस पर फिर जो मृतक का बड़ा भाई है, इससे जब पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान इसने ये कबूल किया कि रात में जब उसका भाई सो रहा था तो ऊपर छट पिछट तो उसने पीछे से सिर पे हसिया से बहुत तेज़ वार किया था, वार करके चुपचाप चलाया था, और चूंकि इसने अपनी पत्नी को इसके साथ देख लिया था, इसी आवेश में आगे उसने उसके हत्या। चित्रकूट से राधा बिहारी पाठक की खास रिपोर्ट।